पिछले क्लास में जो है बच्चों, दो चीज़ हम आपको पूछे हुए थे। उसमें ये बताना था कि हम लोग एक आपको राउंड लिखे थे और सेकंड केस में रिंकल्ड मैंने लिखा था, और इसके लिए कहा था जीन बताने के लिए। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, यहाँ पे पहला लेटर आर है, तो दो कैपिटल आर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक जीन में दो एलील होता है, हम लोग ये जानते हैं। और रिंकल्ड जो है वो रेसेसिव है, तो रेसेसिव के लिए जो हम लोग वहाँ पे जीन को लिखेंगे, तो रेसेसिव में मैंने कहा था कि डोमिनेंट का ही जो पहला लेटर होगा उसे ही हम लोगों को लेना है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि वह स्मॉल लेटर में हो। तो डोमिनेंट में पहला लेटर आर है, तो रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर होगा। ठीक है, ये चीज़ हम आपसे पूछे हुए थे। और उसके बाद मान लीजिए कि इन्फ्लेटेड हो, कंस्ट्रिक्टेड हो, आप आराम से उन चीज़ों को बता सकते हैं। एक पर्पल और वाइट भी मैंने दिया था, तो उस केस में आप ये कह सकते हैं वहाँ पे कि सर पर्पल जो है अगेन बिलोंग्स करेगा डोमिनेंट से, तो पहला लेटर पी कैपिटल में लिख देना है, क्योंकि एक जीन में दो एलील है, और रिसेसिव के लिए जो है हमें पहला लेटर ही डोमिनेंट का लेंगे, लेकिन वो स्मॉल में लिखना है। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। चलिए, इसके बाद हम लोग जो बातचीत करेंगे वो ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और आपको ये पहले बता दें कि मेंडल साहब जो हैं वो सातों कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन किए थे। मतलब जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में ये सिखाया था कि अगर हम लोग ट्रू ब्रीडिंग टॉल लेंगे, तो अगर हज़ारों बार सेल्फिंग करवाएं तो वह द वन एंड ओनली टॉल आएगा। अगर हम लोग ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ लें, तो हज़ारों बार अगर हम लोग क्रॉसिंग करवाएंगे तो वहाँ पे जो है वो ड्वार्फ ही आपको देखने को मिलेगा। तो उसी केस में मेंडल साहब सेवन ट्रेट जो है, यानी कैरेक्टर, उस सबको यानी कि क्रॉस करके देखे थे, तो सबका रिजल्ट जो है वो सेम है। तो हम लोग जिसमें से एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे उसे क्रॉस लेकर के, मैं एक और बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में सीखते हैं। देखिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनो वर्ड का मतलब अगर कोई पूछे तो यहाँ पे क्या होता है बताइए, वन। मोनो वर्ड का मतलब क्या हो गया, वन। इसका मतलब पता है वन क्या होगा, यहाँ पे ट्रेट यानी कि कैरेक्टर होने जा रहा है। ठीक है, आपको बता के रखे हुए हैं ट्रेट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर होता है। तो कोई पूछे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसमें आप बताइएगा कि सच अ क्रॉस, सच अ क्रॉस इन विच टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, सच ए क्रॉस इन विच टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ, सच ए क्रॉस इन विच टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ सिंगल ट्रेट, ऑफ सिंगल ट्रेट आर ब्रॉट टूगेदर कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा था ना मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है, वन। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने कितना ट्रेट लिया है, वन, यानी सिंगल ट्रेट। और हम आपको बता के रखे हुए हैं कि एक ट्रेट का जो है वह दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, यानी एक ट्रेट दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को आपस में अगर क्रॉस करवा दिया जाए तो उसी केस में हम लोग उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या आएगा सर, ये कैसे हम लोग उसे बनाएंगे सर, तो वो चीजें हम लोगों को बता रहे हैं सर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो देखे हुए। अब देखिए यहाँ पे
हम लोग जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए किसी एक ट्रेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से हम लोग फर्स्ट ट्रेट को लेते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ द प्लांट के लिए। तो देखिए यहाँ पे, ये लेंथ ऑफ प्लांट है। तो लेंथ ऑफ प्लांट आप हो गया ये कैरेक्टर। इसमें दो चीजें था आप जानते हैं, एक हम लोग पढ़े थे डोमिनेंट, और दूसरा जो कैरेक्टर है वो आपका हो गया रेसेसिव। तो मैंने क्या कहा था कि डोमिनेंट में क्या है, टॉल, और रेसेसिव में मैंने क्या कहा था आपको याद होगा, ड्वार्फ होता है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि मेंडल साहब जब क्रॉस शुरू किए थे तो उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग टॉल को सेलेक्ट किए थे। हम लोग देखते हैं, देखिए, यानी ये जो पौधा है वो ट्रू ब्रीडिंग होगा। ठीक है, और ये जो ड्वार्फ है वो भी कैसा सेलेक्ट किए हैं, वो तो ट्रू ब्रीडिंग हो गया। ठीक है, तो आपको हम बताया ना कि अगर ट्रू ब्रीडिंग टॉल है, अगर हम लोग हजारों बार सेल्फिंग करवाएं तो सिर्फ और सिर्फ टॉल आएगा। अगर ड्वार्फ को भी सेम कंडीशन अगर हजारों बार सेल्फिंग करवा दिया जाए तो वहां पे भी वो ड्वार्फ ही आएगा। अब क्या है कि हम लोग टॉल के लिए जो है वो जीन को लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे सर ये चीज़? तो मैंने कहा था ना कि इसमें फर्स्ट लेटर को लेना है, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी। क्यों सर? तो एक जीन में दो एलील होते हैं, और यहाँ पे भी ड्वार्फ के लिए भी डोमिनेंट का पहला लेटर लेंगे लेकिन स्मॉल में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब मियोसिस होगा तो मियोसिस क्या होती है, देखिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सेल जो डिवीजन होता है उसमें दो टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक हम लोग कहते हैं माइटोसिस, और सेकेंड हम लोग जानते हैं कि मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, मियोसिस में हम लोग देखेंगे कि पेरेंट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 2n मतलब कि ट्वाइस है, तो ऑफ स्प्रिंग में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो हम लोग देखेंगे कि जस्ट हाफ हो जाएगा। तो 2n से क्या हो गया सर, हाफ हो गया। तो इसी स्टेप में हम लोग इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब हाफ, और ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, तो मियोसिस। मतलब कि मियोसिस में जितना नंबर ऑफ कंटेंट क्रोमोसोम होगा उसका जस्ट हाफ ट्रांसफर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे उसी मियोसिस स्टेप अगर ऑपरेट हो तो 2T है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या, डिवीजन होना, डिवाइड होना। तो दोनों टी में से एक कैपिटल टी, या फिर दोनों टी स्मॉल टी में से एक। तो मियोसिस के बाद सेग्रीगेशन, डिवीजन के बाद जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा गैमेट्स का। ठीक है, दोनों आपस में जब फ्यूज्ड हो जाए तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये हो गया आपका जेनरेशन 1। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फिलैलियल जेनरेशन। ठीक, और इसमें आप गौर से देखिए एक चीज, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। तो मैंने क्या सिखाया था कि जो डोमिनेंट होगा वही कैरेक्टर जो है वो अपीयर होता है सर। तो इसका मतलब डोमिनेंट में कौन है, कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी का मतलब क्या आ गया, टॉल। तो मेंडल साहब ये चीज समझ चुके हैं कि अगर हम लोग ट्रू ब्रीडिंग टॉल को हजारों टाइम अगर सेल्फिंग करवाएं तो सिर्फ और सिर्फ टॉल आएगा, लेकिन इस टॉल और ड्वार्फ को जब हम लोग सेल्फिंग करवाएं तो द वन एंड ओनली टॉल आएगा। लेकिन इस टॉल को हम लोग अगर सेल्फिंग करवाएं तो कौन सा कैरेक्टर आएगा सर? तो ये अब कैसे पता चलेगा उस सिचुएशन में? तो एक ही उपाय है सर, जब हम लोग सेल्फिंग करवाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन का आइडिया लगेगा कि वह किस तरीके से आपको दिखेगा सर। तो देखिए, हम लोग अब इसे सेल्फिंग करके जो है देखेंगे। तो ध्यान दीजिए,
तो अब हम लोग देखेंगे कि पीछे जो हम लोगों को रिजल्ट मिला था वो कैपिटल टी स्मॉल टी जिसको हम लोग F1 कहते हैं और इसी का नाम है फर्स्ट फिलैलियल जेनरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में F1 कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सर। तो ये जो F1 है अब हम लोग इसे क्या करेंगे, मैंने अभी कहा था ना सेल्फिंग करेंगे सर। सेल्फिंग वर्ड का मतलब क्या होता है तो आपको सिखा के रखे हुए हैं, सेल्फ पॉलिनेशन है। तो सर अगर हम लोग इसे इसी के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगा, तो ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पे जो है हम लोग पनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल टी यहाँ लिख दिए, स्मॉल टी यहाँ लिख देंगे, फिर कैपिटल टी यहाँ लिखें, स्मॉल टी यहाँ लिखें सर। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेल्फिंग मतलब इसको इसी के साथ क्रॉस करना है। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी है और यहाँ पे भी ये सेम चीज़ है, तो क्रॉस के बाद क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इसे हम लोग क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसे यहाँ क्रॉस करेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी से डोमिनेंट कैरेक्टर है तो क्या दिखेगा सर, टॉल। यहाँ भी ये डोमिनेंट है तो ये भी होगा टॉल, यहाँ भी इसे क्रॉस कीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फिर हमेशा पहले डोमिनेंट को लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट का ही कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ क्रॉस कीजिए स्मॉल टी, तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा बताइए, ड्वार्फ, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है। अब कोई पूछे ये कौन सा जनरेशन हो गया, F2। तो याद है हम आपको सबसे फर्स्ट क्लास में बताए थे कि ऐसा नहीं है कि हमेशा अगर हम लोग टॉल को क्रॉस करेंगे तो वो टॉल ही आएगा। तो अब सर कैसे, तो देखिए जब ट्रू ब्रीडिंग टॉल लिए तो हजारों बार अगर हम लोग सेल्फिंग करवाएंगे तो द वन एंड ओनली आपको जो है टॉल देखने को मिला। लेकिन अब आप देखिए जब हम लोगों को F1 में, पता है एक चीज आप ध्यान से अगर देखिए तो F1 में जो टॉल का ये कैरेक्टर है यानी कि जो जीन आपको दिख रहा है, तो जीनोटाइप में आप देख रहे हैं डोमिनेंट तो है ही, रिसेसिव भी है सर। मतलब ये टॉल तो दिख रहा है, टॉल तो इसीलिए दिखेगा क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन इसके पास रिसेसिव का भी जो है यहाँ इंफॉर्मेशन है, इसीलिए जब हम लोग सेल्फिंग किए तो यहाँ पे आपको रिसेसिव जो है वह देखने को मिलेगा सर। तो ये हमारा हो गया F2 जनरेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो ऑफ कौन सा क्रॉस का बताइए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। मतलब फिनोटिपिक, फिनोटिपिक वर्ड मैंने आपको कहा था ना कि जो हम लोग देख के समझते हैं, यानी कि सर उस केस में हम लोगों को ध्यान रखना, मैंने कहा था ना कि जैसे आप हमें देख रहे हैं या हम आपको देख रहे हैं, तो या इस तरह के कैरेक्टर को हम लोग फिनोटिपिक कहते हैं, मतलब जो ऑब्जर्वेबल फीचर है। अब जैसे कि पौधा टॉल है या ड्वार्फ है तो देख के ही बता सकते हैं, तो इसी को हम लोग फिनोटिपिक कैरेक्टर कहते हैं। तो देखिए तो इसमें आप लोग हमें खुद देख करके आप बताइए कि टॉल कितनी बार दिख रहा है, 1, 2 और 3, और ड्वार्फ कितनी बार यहां पे दिख रहा है, तो 1। इसका मतलब सर ये जो रेशियो आ गया हम लोगों का वो हो जाएगा 3:1, यानी कि सर फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीनोटिपिक रेशियो जो है वो कैसे होगा। तो आप जानते हैं कि सर जीनोटिपिक रेशियो जो है हम लोग जीनोटाइप के आधार पे निकालते हैं, मतलब उसके जीन के आधार पे निकालेंगे, उसे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देख करके बताएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए आप, यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ कौन से क्रॉस का बताइए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। तो आप एक चीज बता, अच्छा मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों बार बार सिखा रहे हैं, मोनो का मतलब 1 और एक ट्रेट हो गया यानी कैरेक्टर, और कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म कितना होगा यहाँ पे 2, ये चीज ध्यान रखना है। तो देखिए अब क्या निकालना है इस बार जीनोटिपिक, तो देखिए कैपिटल टी कितनी दफा है यहाँ पे, सिंगल टाइम, कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी दफा है बताइए यहाँ पे सर,
कैपिटल टी स्मॉल टी है, दो टाइम से देख लीजिए, और स्मॉल टी कितनी दफ़ा यहाँ पे वन है, तो आप ही बताइए रेशियो कितना आ गया सर, 1:2:1। मतलब अगर हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर करें तो फिनोटिपिक रेशियो जो आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा 3:1। लेकिन वहीं पे अगर फिनोटिपिक रेशियो करें तो रेशियो हो जाएगा 1:2:1। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, यानी ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो हो गया और जीनोटिपिक रेशियो हो गया। क्लियर है? तो आज हम लोग जो है पहले पता है एक चीज़ कि मेंडल साहब जो हैं यानी कि 7 कैरेक्टर को किए थे, लेकिन 7 का जो रिजल्ट है वो एकदम सेम आएगा। ठीक है, आप एक दो घर पे बना के देख सकते हैं। तो सबका अगर 7 का भी करेंगे ना, यानी एक हम बता दिए हैं, रेस्ट जो 6 है, तो सब केस में फिनोटिपिक आएगा आपका 3:1, और वहां पे अगर आप जीनोटिपिक फाइंड आउट करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 1:2:1। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर डायहाइब्रिड क्रॉस की जो बातचीत है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।